हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में हम एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच राई डालेंगे और राई को तड़कने के लिए छोड़ेंगे। तो राई भी तड़कने लगी है। अब इसमें हम आधा चम्मच सौंफ डालेंगे, आधा चम्मच खड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इन्हें भी हम तड़का लेंगे। तो सभी दाने तड़कने लगे हैं। अब इसमें हम एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को चलाते हुए भून लेंगे। तो प्याज को चलाते हुए मैंने भून लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप इस रेसिपी को और भी तीखा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्च की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही में एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मसालों को एक मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। तो मैंने मसालों को चलाते हुए एक मिनट तक भून लिया है। मसाले भून चुके हैं। अब मैंने ये दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका उतार कर मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। तो आलूओं को हम मसाले में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मसाले और आलू को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू के रस को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से कोई भी खटाई डालेंगे तो इस मसाले का टेस्ट और भी चटपटा हो जाएगा। तो खटाई जरूर डालें। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम 1.5 कप बेसन डालेंगे। इसी कप से मैं आधा कप बेसन और डाल रही हूँ। आप कोई सा भी बेसन यूज़ कर सकते हैं, बारीक या मोटा। मैंने बारीक वाले बेसन का यूज़ किया है। स्वाद के अनुसार डाल देंगे इसमें हम नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1 चुटकी के समथिंग हींग डाल देंगे। हींग डालना ऑप्शनल है, लेकिन हींग पेट के लिए बहुत लाभदायक होती है, तो आप हींग जरूर डालें और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाएगा और इसके जो लम्स हैं वो भी ईजिली फिनिश नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का बैटर रेडी किया है। अब इसे हम रखेंगे साइड में। अब मैंने ये 250 ग्राम के समथिंग शिमला मिर्च ली है। इसे हमें क्या करना है, इसे हम बीच में से कट करेंगे और इसके जो बीज दिख रहे हैं उसे हम निकाल देंगे। इसी तरह से सारी शिमला मिर्च को हम कट करके इसके बीच निकाल देंगे। तो अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसे हम शिमला मिर्च के अंदर फिल करेंगे।
तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से शिमला मिर्च के अंदर आलू की फिलिंग को फिल किया है। इस तरह से हम उंगली से अंदर तक फिलिंग को भरेंगे। और इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारी शिमला मिर्च को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है। बैटर में हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर में मैं एक छोटा चम्मच गर्म तेल डाल रही हूँ। तेल को भी मिक्स कर लेंगे। गर्म तेल डालने से जब हम पकोड़े बनाते तो वो बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं, सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। तो जो ये बैटर है वो रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा था, तो तेल भी गर्म हो गया है। शिमला मिर्च को हम बैटर में इस तरह से डिप कर लेंगे। और इसे उठाकर तेल में डालेंगे। इस तरह से जब इस नाश्ते को आप अपने घर पर बनाकर खिलाएंगे तो ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। और बारिश के मौसम में तो इस नाश्ते का मज़ा ही कुछ और आएगा। तो कढ़ाई में जितने शिमला मिर्च के पकौड़े आ जाएंगे हम उतने ही डालेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर करते हुए फ्राई करेंगे। तो बस इसे हमें पकौड़ों की तरह फ्राई कर लेना है। तो सारे शिमला मिर्च पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। तो गर्मा गर्म शिमला मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।